नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, आगामी 28 से 30 नवंबर तक नगर पालिका के निकट स्थित रामला मैदान में बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। बाल मेले में 55 से अधिक नगर के विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। 3 दिवसीय बाल मेले को लेकर आज पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में मेले के आयोजन को लेकर नगर के विभिन्न स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों सहित गणमान्य व्यक्तियों के साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अर्पण निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकेंगे। प्रतिदिन शाम 7 बजे तक स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों व उपरांत इसके कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। इस अवसर पर बाल साहित्यकार एवं मंच संचालक ललित सौर्य, दीपक चंद, नवीन भट्ट, मल्लिकार्जुन स्कूल, ओकलैंड स्कूल, नॉर्थ राइड स्कूल सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक मौजूद थे। इस दौरान मेले के आयोजन को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रावत ने बताया कि 28, 29, 30 को नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ द्वारा एक बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे 55 विद्यालय इसमें प्रतिभाग करेंगे और इस संबंध में आज हमारी एक बैठक विद्यालय हमारे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, अन्य हमारे गणमान्य व्यक्तियों से यहाँ पर एक बैठक हुई, जिसमें विचार विमर्श, आगे कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा तैयार करी गई और विचार विमर्श किया गया। और हम भी चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और क्योंकि बच्चे साल भर से 200 और बाल महोत्सव का इंतज़ार करते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हम उनको देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के चूलाघाट कस्बे में बीती रात एक व्यापारी के बाथरूम से लापता होने पर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चूलाघाट निवासी विजय भट्ट, उम्र 40 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय शांति प्रसाद भट्ट, बीती रात लगभग 11 बजे कहीं लापता हो गए। उनकी चूलाघाट में रेडीमेड एंड सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है। लापता हुए विजय की पत्नी रेखा भट्ट ने बताया कि बीती रात को लगभग 11 बजे वे वॉशरूम जाने की बात कहकर वापस नहीं आए, तो शक होने पर देखा तो बाथरूम में पानी का नल खुला हुआ था और विजय भट्ट वहां मौजूद नहीं थे। परिजनों द्वारा आस पड़ोस में पूछताछ करने के उपरांत चूलाघाट में भी काफी खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चल पाया। विजय की पत्नी ने इस मामले को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। रिपोर्ट के बाद चूलाघाट पुलिस लापता विजय भट्ट की खोजबीन में जुटी हुई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में चल रहा रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू कार्य पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने स्थलीय निरीक्षण के उपरांत श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के लिए चल रहे राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा वहां पूरी ताकत से काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। ऑपरेशन के 13वें दिन आज ओवर ड्रिल मशीन से 49 मीटर की ड्रिलिंग हुई। आज की पीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, सचिव उत्तराखंड। मेरे साथ में है एमपी सर, महमूद सर, डीएम साहब, डीजी इंफॉर्मेशन साहब, एसपी साहब। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये पूरे जोर शोर से चल रहा है और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भी काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया। जैसे आप सभी अवगत हैं क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे नहीं है, केंद्रीय मंत्री एमओएस जनरल वीके सिंह सर ने बात की है, उन लोगों के हौसले बुलंद। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, एक दो लोगों को हल्का हल्का फीवर का था, एक कुछ लोगों को जिस तरह आइज के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो होगा, आँखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयाँ थी वो सारी भी। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।